एक्शन पैसा लेमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी यही है असली पुट्टी पार्टनर एंकर बाय पैनासोनिक। मुझे बताया गया है इन दिनों भांति भांति के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि इतनी गर्मी में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इससे मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। देश को तय करना है कि अब ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार। पीएम मोदी ने अहमदनगर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सुजय विखे पाटिल के लिए वोट मांगे। सुजय की टक्कर एनसीपी के संग्राम जगताप से है। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गांव ही जेलता था, हर किसी की जान पर संकट था। इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कभी भी तमिलनाडु की जनता को नागपुर से शासित नहीं होने देंगे। इस मौके पर राहुल ने ऐलान किया कि तमिलनाडु के अगले सीएम एमके स्टालिन होंगे। वी विल नेवर एवर लेट द पीपल ऑफ तमिलनाडु बी रूल्ड बाय नागपुर। तमिलनाडु इज गोइंग टू बी रूल्ड फ्रॉम तमिलनाडु एंड स्टालिन इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है कांग्रेस ने, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी ने। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से प्रयागराज में रही है और प्रयागराज के कुंभ की इस परंपरा को कभी भी वैश्विक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास पिछली सरकारों ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की नीति जो हो हमारी नीति स्पष्ट है। पाकिस्तान से गोली आएगी, हमारे यहाँ से गोला जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। हमारे लिए देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले चरण के मतदान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और 297 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की है। The Election Commission looked the other way in spite of our complaints. ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के लिए एक बार फिर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता ने मोदी पर चुनावी फायदे के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के कुर्सीओंग में एक सभा में उन्होंने कहा कि चौकीदार लुटेरा है, मोदी बहुत चालू है और वे गुजरात से बाहरी लोगों को हटाना चाहते हैं। ममता ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में बिजनेस खत्म हो गया है, मोदी और अमित शाह के हाथ से सत्ता चली जाएगी। आप पार्लियामेंट में मेरे को दो, एक साथ में करेंगे, हम अकेला नहीं। लेकिन कैंडिडेट किसका है? कैंडिडेट बाहर का है। अली और बजरंग बली के युद्ध में रामपुर के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने बजरंग बली का नारा देकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आजम खान ने अली और बजरंग बली का मुद्दा उठाते हुए बजरंग बली की जगह बजरंग अली का नारा लगवाया। आंखें खोलो हिंदू भाइयों, आंखें खोलो, आपस के रिश्तों को अच्छा करो, आपस के रिश्तों एक दूसरे से प्यार करो। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूँ, बजरंग अली। रामपुर की एक सभा में आजम खान ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप कल नवाज शरीफ के दोस्त थे, आज इमरान खान आपके दोबारा प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप मुझ पर लगता है।
संभल प्रशासन ने गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को नोटिस जारी करके विवादित बयान देने के मामले में 3 दिन में जवाब मांगा है। एसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में ही संभल में उन्होंने कह डाला कि एसपी बीएसपी और आरएलडी गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी की मौत का पैगाम बनेगा। अब हमें मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जुट जाना चाहिए। आज आपके सामने ये गठबंधन मोदी के लिए मौत का पैगाम बन गया। शफीकुर रहमान बर्क पहले भी विवादित बयान से चर्चा में रहे हैं। वो वंदे मातरम का विरोध करने के लिए संसद से वॉकआउट भी कर चुके हैं। कांग्रेस दिल्ली के 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश की गई। कांग्रेस 3 सीट और आम आदमी पार्टी से 4 सीट पर बात हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में समझौता करने पर अड़ी थी, लिहाजा दिल्ली में 7 सीट पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी। So we consider that that is very important thing and the Congress party's policy that is what we are following all over the country. राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया। चौकीदार चोर है कि अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट के बयान की तरह प्रस्तुत किया। लगातार बेबयानी की गई है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे बयान दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा ऑर्डर पास किया वैसा ऑर्डर पास किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। वाराणसी में पीएम मोदी के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं ने चुनाव प्रचार का कमान थाम लिया है। ये महिलाएं पूरे इलाके में पीएम मोदी को वोट देने की अपील कर रही हैं। पीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए पीएम मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी पहुंचेंगे। इसके बाद वो बीएचयू गेट से लेकर कचहरी रोड तक रोड शो करेंगे। पहले चरण का चुनाव खत्म होते ही विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस नोट जारी कर बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। मायावती ने पुलिस पर दलित समाज के लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोकने का भी आरोप लगाया है। मायावती ने वोटिंग के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को चौकन्ना रहने को कहा है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के रिलीज पर लगी रोक के खिलाफ फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई होगी। विपक्षी पार्टियों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के रिलीज पर रोक लगा दी है। ये फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके रिलीज पर रोक लगा दिया गया। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए फिल्म के रिलीज से पार्टी विशेष को फायदा होने का आरोप लगाया था। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि सभी दल इस संबंध में 30 मई तक सीलबंद लिफाफे में चुनाव आयोग को जानकारी सौंपे। इससे पहले चुनाव तक हस्तक्षेप नहीं करने की केंद्र की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि अगर पारदर्शी राजनीतिक चंदे के लिए शुरू किए गए चुनावी बॉन्ड के क्रेताओं की पहचान नहीं है तो चुनाव में कालाधन पर अंकुश लगाने का सरकार का प्रयास निरर्थक होगा। सभी दलों को 15 मई तक मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सील बंद लिफाफे में 30 मई तक चुनाव आयोग को सौंप देनी होगी। भोपाल में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जंग देखने को मिल सकती है। खबर है कि बीजेपी भोपाल से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को टिकट दे सकती है। यहां से कांग्रेस ने पार्टी महासचिव और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को उतारा है। खबर है कि चुनाव लड़ने से मना करने वाली उमा भारती को संघ पदाधिकारियों ने मना लिया है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट आज ही आ सकती है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर ऐलान होना अब भी बाकी है। उमा भारती के भोपाल से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस ने तंज कसा। शनिवार को रामनवमी है। रामनवमी पर पटना के डाक बंगला पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। रामनवमी के भगवाकरण पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बीजेपी और बजरंग दल पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के विधायक, सांसद और बड़े नेता इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर हैं। इस कार्यक्रम से चुनाव प्रभावित होगा। बीजेपी नेता चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग से इसकी लिखित शिकायत करेगी। अपने अहमदनगर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चाय वाले से मुलाकात की जिसने ये कसम खाई है कि वो तब तक चप्पल नहीं पहनेगा जब तक नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। दिलीप सिंह ठाकुर ने 2014 में भी ऐसी ही कसम खाई थी और चप्पल तभी पहनी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप सिंह ठाकुर को उनके बगैर स्वार्थ कोशिश और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया।
भारत में हो रहे लोकतंत्र के पर्व को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। मतदान से लेकर परिणाम आने तक हर एक प्रक्रिया के साक्षी विश्व के तमाम देश के लोग बने। इस मकसद से विदेशी और NRI लोगों के लिए टूर ऑपरेटर्स की तरफ से चुनावी पैकेज की घोषणा की गई। ऐसे में NRI और विदेशी मेहमान बड़ी संख्या में देश के अलग अलग चरणों में आयोजित चुनाव में साक्षी बनने के लिए पहुँच रहे हैं। ये मेहमान अलग अलग जनसभाओं और रैलियों के साक्षी भी बन रहे हैं।